डॉक्टर काउम सी मैटी, उनका ये 207वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और ये राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में मनाया जा रहा है। अलीगढ़ के साथ साथ नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में संपूर्ण भारतवर्ष में ये अधिवेशन मनाया जा रहा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को 5 मई 2010 को मान्यता दी है भारत सरकार ने, ये कहकर के कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाओं से ही प्रैक्टिस करेंगे और अपने नाम के सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द लिखेंगे और अपनी क्लिनिक पर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन कराने का, सरकारी काउंसिल बनने का। तो अभी अभी हमारा एक बिल बन गया है इलेक्ट्रोपैथी का, लोकसभा में हमारा बिल पास हो गया है लेकिन किन्हीं भी कारणों से राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया है। जब बिल पास हो जाएगा तो इसका सरकारी काउंसिल बनेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको उत्तर दिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शीघ्र बिल राज्यसभा में भी पास करा दिया जाएगा और आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अलग काउंसिल बनाया जाएगा और इसको आयुष से हमने संबंध कर दिया है। लास्ट मार्च तक अगर ये बिल पास नहीं होता है, हमारा सरकारी काउंसिल नहीं बनाते हैं, तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के 7 लाख चिकित्सक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग आमर अनशन भी करेंगे। हम बिल को पास करा के मानेंगे, अपना सरकारी काउंसिल बनवा के रहेंगे, भारतीय चिकित्सा परिषद में इसकी रजिस्ट्रेशन करा के रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। हम संपूर्ण भारतवर्ष से जंतर मंतर पर डॉक्टर इकट्ठे होकर के राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे।